गाइज़, मेरे पीछे आप देख रहे हैं भारत के सबसे बड़े और सबसे फेमस उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मकबरा। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यह है दिल्ली की ऐतिहासिक जगह यानी 64 खंबा। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको घुमाने लाया हूँ निज़ामुद्दीन। जी हाँ दोस्तों, निज़ामुद्दीन में आज आपको घुमाने लाया हूँ, जहाँ भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के सबसे बड़े उर्दू के कवि जिनका नाम है मिर्ज़ा गालिब, उनका मकबरा मैं आज आपको दिखाने लाया हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको निज़ामुद्दीन मरकज़ भी दिखाऊँगा। दोस्तों, यहाँ का एड्रेस बड़ा आसान है, आप गूगल पे निज़ामुद्दीन लिखेंगे तो एड्रेस आ जाएगा, या मिर्ज़ा गालिब का मकबरा लिखेंगे तो भी एड्रेस आ जाएगा। तो ये जो आप जस्ट आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, यही है निज़ामुद्दीन मरकज़, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ सामने से। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये ही है निज़ामुद्दीन मरकज़, जो पिछले दिनों विवाद में रहा था 2020 में, कोरोना के टाइम में विवाद में था। और कैसे हाईकोर्ट ने गोदी मीडिया को फटकार लगाई थी कि निज़ामुद्दीन मरकज़ को बदनाम किया गया। यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं मरकज़ में, तो यही है वो निज़ामुद्दीन मरकज़ जो आप देख सकते हैं, यही मरकज़ की बिल्डिंग है। दोस्तों, ये आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं लाल कलर की, ये गालिब एकेडमी है, जहां आप मिर्ज़ा गालिब के बारे में और नज़दीक से जान सकते हैं। दोस्तों, ये जो दरवाज़ा है यहीं से हम अंदर चलेंगे, और जहां से हम देखेंगे मिर्ज़ा गालिब का मकबरा और 64 खंबा, जो दिल्ली की ऐतिहासिक जगह है। दोस्तों, ये दरवाज़ा है, देख सकते हैं आप, यहाँ से जब हम अंदर चलेंगे तो यहाँ एक मैदान है, बहुत बड़ा एक मैदान है, जहाँ कुछ अननेम कब्र हैं, बहुत सारे कब्र हैं जो आप देख सकते हैं, अननेम कब्र हैं, कोई नाम नहीं है। और ये सामने देखिए कितना अच्छा है, और इसमें साल में 2 मरतबा उर्स होता है। ये देख सकते हैं आप, ये एक मैदान है जिसमें साल में 2 मरतबा उर्स होता है। और यहाँ से जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो सामने हमें नज़र आएगा जो है 64 खंबा। जी हाँ दोस्तों, 64 खंबा जो हम अभी आपको दिखाते हैं, और अंदर की तरफ चलते हैं 64 खंबे में, और बताते हैं कि दोस्तों ये जो है अकबर के ज़माने में बना था, अकबर के सौतेले भाई ने इसको बनवाया था, जहांगीर के ज़माने में ये बना था। तो ये देख सकते हैं आप 64 खंबा, जिसमें बहुत सारी कब्र हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत सारी कब्र हैं, संगमरमर वाइट पत्थर से इसको बनाया गया है, और ये अकबर के सौतेले भाई ने इसको बनवाया था, जहांगीर के ज़माने में ये सारा काम हुआ था। ये देख सकते हैं आप, इसमें 2 कब्र मैन हैं, जो एक अकबर के सौतेले भाई की है और एक उनके वाइफ की है, बाकी कब्र बहुत सारी है लेकिन नाम किसी पर भी नहीं है, तो इसीलिए हम बता नहीं सकते कि कौन सी कब्र किसकी है। लेकिन इसको बनाया गया है, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया गया है, और इसका नाम 64 खंबा इसलिए है कि इसमें जो है 64 पिलर हैं,
64 पिलर्स इसमें बने हुए हैं, जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा है 64 खम्बा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छा इसका डिज़ाइन है। और मुग़लों मतलब जितने भी मुग़ल एम्पायर रहे हैं या उससे पहले के लोग रहे हैं, उनका ये मानना था और ये हकीकत भी है कि जो हम जो बिल्डिंग बनाते हैं दुनिया में, उसमें हम कितने साल रह सकते हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, ज़्यादा से ज़्यादा कोई रहेगा तो 100 साल रह सकता है, इससे ज़्यादा कौन रह सकता है। लेकिन असल जो कब्र है, असल जो जगह है, वो कब्र है हमें कयामत तक, यानी कि हिसाब किताब के दिन तक जो है हमें कब्र के अंदर ही रहना है। तो इसीलिए जो असल जो जगह हुई वो कब्र हुई, तो इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी में ही अपनी कब्र की जगह बना लिया करते थे। और उनका ये मानना था कि जहाँ हमेशा हमेशा के लिए हमें रहना है, हम उस जगह को भी अपनी ज़िंदगी में ही बना लें। दोस्तों मैंने आपको दिखाया था ज़फ़र महल में एक जगह जो खाली थी, बहादुर शाह ज़फ़र ने रखी थी, वो अपनी ज़िंदगी में ही रखी थी। जी हाँ दोस्तों, वो अब जब वो ज़िंदा थे उसी वक्त उन्होंने वो अपनी जगह उन्होंने रखी थी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इनकी जो सोच थी वो कितनी अच्छी मतलब सोच थी, और आप समझ सकते हैं इस बात को। और ये यहाँ से ये देख सकते हैं, जब हम बाहर की तरफ चलेंगे तो यहाँ कुछ महिलाओं की कब्र है, ये आप देख सकते हैं, जिन्हें अंदर अलाव नहीं था। ये भी मुग़ल के ख़ानदान की ही महिला हैं जिन्हें अंदर अलाव नहीं था, तो उनकी कब्र यहाँ पे बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये सारी कब्र जो है वो महिलाओं की है। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं सारे कब्र ये महिलाओं की कब्र है। और यहाँ से जब हम अंदर की तरफ चलेंगे तो आपको सामने नज़र आएगी मिर्ज़ा गालिब का मकबरा। जी दोस्तों, ये सामने जो आप देख रहे हैं यही मिर्ज़ा गालिब का मकबरा है, जो छोटा सा बना हुआ है। और इस मकबरे के साइड में जो है उनके बच्चों का यानी उनके परिवार का एक पूरा कब्र है, पूरे परिवार का कब्र है यहाँ पे। मैंने बताया था आपको मिर्ज़ा गालिब की हवेली में जब मैं आपको घुमाने ले गया था, तो उस ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मिर्ज़ा गालिब के 7 औलाद थे, जिसमें से एक भी औलाद नहीं बची थी। उनकी ज़िंदगी में ही उनकी 7 औलाद ख़त्म हो गई थी। तो उसमें से एक मतलब उसमें कि 7 औलाद में से तकरीबन सभी औलाद की कब्र यहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं, ये उनके बच्चों की कब्र है और मिर्ज़ा गालिब की भी कब्र यहीं पे है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो बड़ी कब्र है ये बताई जाती है कि ये मिर्ज़ा गालिब के ससुर की कब्र है। जी हाँ दोस्तों, ये मिर्ज़ा गालिब के ससुर की कब्र बताई जाती है। और ये जो कब्र है मकबरे से बिल्कुल सटी हुई, वो उनकी वाइफ़ की कब्र थी। और दोस्तों ये जो आप सामने एक कब्र और देख रहे हैं इस तरफ, जो ये कब्र है, ये उनके बच्चे की कब्र थी, जो उनका छोटा बच्चा था। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये मिर्ज़ा गालिब का मकबरा है, जो बहुत छोटा है लेकिन खूबसूरत है, अच्छा बनाया गया है। और ये मिर्ज़ा गालिब का मकबरा है और उनकी कब्र ये अंदर है। ये आप देख सकते हैं मिर्ज़ा गालिब की कब्र। मैंने आपको मिर्ज़ा गालिब का महल दिखाया था, जिस महल में वो अपने ज़िंदगी के आखिरी 9 साल रहे थे। और मैं आज आपको मिर्ज़ा गालिब का ये कब्र दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये मकबरे के चारों साइड में जो है एक मैदान है और अच्छी जगह है और पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये आप मकबरा देख सकते हैं। और इसके इस तरफ देखिए, ये एक मैदान है जहाँ कुछ काम भी चल रहा है और पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बैठने की जगह है, लोग आते हैं आराम करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी के आखिरी टाइम में जो उन्होंने शायरी लिखी थी और शायरी पढ़ी थी, वो कुछ यही शायरी है। ये आप देख सकते हैं, ये एक शेर है जो उनका लिखा हुआ है, तीनों लैंग्वेज में लिखी हुई है दोस्तों, यहाँ पर उर्दू में भी और हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो दोस्तों ये शायरी कुछ यूँ है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं
तो क्या होता। दोस्तों यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि पहले के जो लोग थे यानी पहले का जो दौर था वो लोग क्या किया करते थे कि अपनी कब्र जो है मरने से पहले ही बनवा लिया करते थे। उनका ये मानना था, उनका उनकी ये सोच थी और ये हकीकत भी है कि मतलब अपने बनाए हुए महल में वो आदमी 30 साल 40 साल ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल रह सकता है, इससे ज़्यादा क्या रहेगा। लेकिन जो कब्र है उसमें मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए रहना है, हिसाब किताब के दिन तक उसमें रहना है। तो ये उनका एक मानना था, इसीलिए वो अपनी कब्र जो है मरने से पहले ही अपने ही ज़िंदगी में वो अपनी जगह भी बना लिया करते थे और अपनी कब्र भी बना लिया करते थे। मैंने आपको जफ़र महल में दिखाया था बहादुर शाह जफ़र का जो कब्र की जगह थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही वो जगह अपने लिए रखी थी। लेकिन वो अलग मैटर है कि उनका दफन वहाँ नहीं हुआ। लेकिन इसी तरीके से चाहे और भी कोई मुग़ल बादशाह हो या उससे पहले के लोग हो, तो सभी ने ये कोशिश की है और सबके हिस्ट्री से ये पता लगता है देखने से कि सब ने अपनी कब्र जो है मरने से पहले ही बनवाई है। लेकिन मिर्ज़ा गालिब के बारे में अगर मैं बताऊं तो मिर्ज़ा गालिब की कब्र एक ऐसा मतलब वो कि मिर्ज़ा गालिब के बारे में ये बताया जाता है कि उनके मरने के 100 साल बाद तक उनकी कोई अपनी कब्र मतलब अपना कोई मज़ार या अपना कोई मकबरा नहीं था। तो उनके मरने के 100 साल के बाद में उनको जो है एक मकबरे की शक्ल उनको मिली है। ये एक अपने आप में एक कहानी है जो आप बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी ये कहानी, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। दोस्तों इस ब्लॉग का मैं अब एंड कर रहा हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।